सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज के वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह एक पैरालेक्स वेबसाइट को बनाया जाता है। ठीक है, जिस तरह कि आपने बहुत सारा कमेंट में अपने हमें कहा कि किस तरह एक पैरालेक्स वेबसाइट को बनाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि किस तरह एक पैरालेक्स वेबसाइट को बनाया जाता है। ठीक है, तो गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिजिटल क्लॉक किस तरह बनाया जाता है, ठीक है, एक आधार कार्ड जनरेटर वेबसाइट को किस तरह बनाया जाता है, ठीक है, तो सारा वीडियो मैं मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर उसको विजिट करना। ठीक है, और अगर आपको इसका सोर्स कोड को पाना है तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। ठीक है, सिंपल आप क्लिक करके अपने इस वीडियो का नहीं, मेरे चैनल पर जितना भी वीडियो है, ठीक है, सारा प्रोजेक्ट का सारा सोर्स कोड को मैंने फ्री में अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो उसे सिंपल एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और वहीं अपना सारा कोड का हम समझ लेते हैं। ठीक है, सो गाइस मैं अपने वीएस कोड पा चुका हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा एचटीएमएल पेज है। ठीक है, मैं इनलाइन ही अपने सीएसएस देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा स्टाइल, ठीक है, यानी ये हमारा सारा सीएसएस। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर एक लिंक क्रिएट करा है। ठीक है, जो उसका इसका एक काम है कि जो भी हमने फ़ॉन्ट ऑसम को लिया है वो डायरेक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, यानी फ़ॉन्ट ऑसम का मैंने यहाँ पर लिंक को ऐड करा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सीएसएस पर देखो सीएसएस पर कि मैंने यहाँ पर एक लिंक लिया है फ़ॉन्ट फैमिली का। ठीक है, और कुछ हमारा यहाँ पर फ़ॉन्ट है। ठीक है, और यह बेसिक एचटीएमएल सीएसएस। ठीक है, मार्जिन जीरो, पेडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और ये एचटीएमएल हमने इसको पूरे एचटीएमएल के एक साइज और फ़ॉन्ट को दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनलाइन ही अपने एक जावास्क्रिप्ट भेज दूँगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट है। सो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि मैंने एचटीएमएल पर कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर कौन सा वाला वेबसाइट बनाने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर इसको मैं बड़ा कर लूँगा। सो देखो मैं इसको अभी यहाँ पर इसी वेबसाइट का भी बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूँगा यहाँ पर तो अपने यहाँ पर एक पैरालेक्स इफेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, और ये देखो ये हमारे ये कुछ मेनू है जो कि देखो ये पहले मेनू जो होवर में पोर्टफोलियो अबाउ और ये कुछ सर्च बटन और ये मेनू बार है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको बनाऊंगा और इसके पीछे देखो ये एक बैकग्राउंड जो वाइट वाला बैकग्राउंड है ये एक कोई कलर नहीं है, एक इमेज है। ठीक है, एक इमेज है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लूँगा इसको बनाऊँगा इस वाले वाइट को। ठीक है, यानी जो वाइट है उसी में यहाँ पर बनाऊँगा। तो मैं सबसे पहले आऊँगा यहाँ पर एचटीएमएल पर। ठीक है, यानी बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लूँगा एक मेन कंटेनर। ठीक है, तो मेन कंटेनर। ठीक है, और उसी के बाद ये हमारा मेन कंटेनर होगा। ठीक है, इसको मैं विड्थ को 100% कर दूँगा, हाइट को 100 भेज कर दूँगा। ठीक है, और इस चीज़ को यूज़ करके मैं अपना सारा बैकग्राउंड का इमेज दूँगा। ठीक है, यानी इसके अंदर मैं अपना सारा को डिप को दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लूँगा एक और कंटेनर नाम का। ठीक है, कंटेनर, ये कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में दूंगा इसको, मैं एक काम करता हूँ मैं पहले इसको सीएसएस को दे देता हूँ। ठीक है, कि जो भी हमारा ये मेन कंटेनर होगा उसे मैं यहाँ पर दूंगा सीएसएस, और जो भी ये हमारा ये कंटेनर के अंदर हमें जो भी एक वाइट सा इमेज को देना है उसको मैं यहाँ पर दूंगा। ठीक है, तो सब मैं इसे करूँगा यहाँ पर मेन कंटेनर पर कॉपी, हमारा सीएसएस कहाँ गया, तो देखो मैं यहाँ पर स्टाइल टैग के ऊपर यहाँ पर इसको करूँगा कि जो हमारा ये मेन कंटेनर है। ठीक है, उसको तुम विथ को कर दो 100%। ठीक है, विथ को 100% कर दो और हाइट को तुम कर दो 100 BH। ठीक है, हाइट 100 BH। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ये कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमारा बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, तो मैं दूंगा इसको कंटेनर जो हमारा है तो तुम उसका विथ को कर दो 100% और हाइट को भी कर दो 100%। ठीक है, तो विथ 100% और हाइट कर दूंगा मैं यहाँ पर 100%। ठीक है, उसके बाद आपने जिस तरह की यहाँ पर इमेज देखा था हमारा वाइट सा इमेज उसको मैं इसको उस इमेज को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, तो दूंगा बैकग्राउंड इमेज और उस वाले इमेज का मैं इसको यूआरएल को दे दूँगा। ठीक है, तो हमारा इमेज का नेम था whitebg.jpg। ठीक है, तो whitebg.jpg वन सेकेंड, वाइट whitebg.jpg। ठीक है,
और इस वाले में इमेज को जो भी हमारा ये इमेज है उसका यहाँ पर जो है साइज रिपीट और पोजीशन को सही कर दूँगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ। ठीक है, सो देखो यह हमारा बैकग्राउंड इमेज, अब मैंने इसको बैकग्राउंड को रिपीट को नो रिपीट, ठीक है, साइज को कवर और पोजीशन को 100% कर दिया। ठीक है, तो इससे मैं करूँगा ओपन विथ लाइव सर्वर पर। सो देखो ये हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज आ चुका है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा ये इस वाले वेबसाइट पर, वन सेकंड थोड़ा देखो, ये जो वेबसाइट है देखो उसके अंदर देखो ये जो नेप बार है। ठीक है, इस वाले सबसे पहले मैं इस वाले नेप को बनाऊँगा। ठीक है, तो नेप को बनाने के लिए सिंपल हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा क्या, नेविगेशन का। ठीक है, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कुछ यूएल टेक का। ठीक है, तो ये सभी को पता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह एक नेविगेशन बनाना जाता है। ठीक है, तो इसको मैं काम करता हूँ, मैं इसको जल्दी से पहले इस वाले नेविगेशन को बना करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा पहले अपने कोड पर, और मैं यहाँ पर अपने कंटेनर के अंदर मैं इसको पहले नेविगेशन के कोड को मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो वन सेकंड, ये सी एस एस हमें नहीं चाहिए, हमें सर सिंपल पहले हमें यहाँ पर चाहिए एचटीएमएल। ठीक है, सो देखो ये हमारा ये कंटेनर के अंदर, वन सेकंड, ये नेप, देखो ये कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि नेविगेशन है। ठीक है, उसके अंदर देखो कि ये हमारा ये लोगो है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने यहाँ पर फॉन्ट ओसम को लिंक करा है। ठीक है, ये सिंपल ये वही है। ठीक है, और मैंने हमारे यहाँ पर कुछ यूएल टैग है, यूएल टैग के अंदर हमारा कुछ मेनू और कुछ सर्च बार और बार्स है। ठीक है, इसे करूँगा यहाँ पर मैं सेव। सो देखो हमारा यहाँ पर मेनूस आ चुका है। ठीक है, तो इस मेनू को यहाँ पर मैं जिस तरीके अपने उस वाले वेबसाइट पर देखा इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। ठीक है, और वैसे अगर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको मेनू बनाना नहीं आता है तो मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैंने उसको वहाँ पर आपको कंप्लीट बताया था। ठीक है, कि किस तरह एक नेविगेशन को बनाया जाता है। ठीक है, देखो ये प्रॉपर एक नेविगेशन। ठीक है, ठीक है, ये नेपटेक के लिए, ठीक है, ये यूएल टेक के लिए, ये एलआई और ए के लिए। ठीक है, जो भी हमारा ये मेनू है। ठीक है, और जैसे कोई अपने मेनू को होवर करेगा तो उसका सी एस एस ये अप्लाई होगा। और जो मैंने इसको एक्टिव मैं दिखा देता हूँ आपको कि देखो ये जो होम है उसको मैंने यहाँ पर एक्टिव नाम का एक क्लास दिया था। ठीक है, और उस एक्टिव का ये कोड है। ठीक है, बार का यानी बार जो हमारा ये मेनू होगा, ठीक है, उस वाले मेनू का ये होगा बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। ठीक है, और अपने लोगो का कलर ये होगा। ठीक है, फोन साइज 2.5 रैम, ठीक है, उस पर मार्जिन पेटिंग और बैकग्राउंड कलर दिया है। ठीक है, और लास्ट में उसका मैं बॉर्डर डीएस को 50% करा है। ठीक है, तो मैं कम करता मैं इसका दूंगा यहाँ पर कर्सर्स कर दूंगा पॉइंटर, जैसे कोई माउस को यहाँ पर लगाए तो वहाँ पर एक हैंड का यानी एक आइकन आ जाए। ठीक है, इसको भी कर दूंगा मैं कर्सर्स पॉइंटर। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर देखूंगा कि हमारा किस तरह है। सो देखो अब हमारा ये प्रॉपर मेनू यहाँ पर सही से आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा इसको कि कुछ टेक्स को। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कि हमारा जो ये वाला वेबसाइट है, ठीक है, देखो ये तो हमारा नेविगेशन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये जो टेक्स है, ठीक है, ये टेक्स को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, ये टेक्स यानी जो ये हीरो सेक्शन है, यहाँ पर देखो ये इमेज, ये वाइट वाला इमेज, इस सारे इमेज को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा इसको लेकर, इसको करूँगा बड़ा, और अपने कोड पर यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि जो हमारा ये नेविगेशन जहाँ पर ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लूँगा मैं एक हीरो ग्रिड। ठीक है, और इस हीरो ग्रिड के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर दूंगा कि अपना नेविगेशन नेप एंड, ताकि आपको सोर्स कोड में कोई इशू ना हो। ठीक है, तो मैं इस सारा सोर्स कोड को मैं अपने वेबसाइट पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, आप वहीं से इसको कॉपी करके अपने प्रोडक्ट पर यूज़ करना। ठीक है, बिल्कुल ये फ्री है। ठीक है, तो मैं जो भी अपना ये हीरो ग्रिड के अंदर मैं यहाँ पर लूँगा एक टेक्स्ट नाम का डीप, और इसका मैं आईडी दे दूँगा यहाँ पर। मैं इसे आईडी इसलिए दूँगा कि मैं इसे जब भी जावास्क्रिप्ट में इसे गेट करना दूँगा तो मैं सिंपल आईडी से इसे गेट कर सकूँगा। ठीक है, तो इस टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि मैं इस टेक्स्ट के अंदर लूँगा इसको H2। ठीक है, मैं काम करता हूँ मैं इसको कॉपी करके सिंपल उसी वेबसाइट से कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल इसे कर दूँगा इसको टेक्स्ट के अंदर पेस्ट। ठीक है, तो देखो ये हमारा एक H2 है। ठीक है, उसके अंदर मैंने लिखा इसको वही सपोर्ट
उसके बाद बिजनेस फ्रॉम, उसके बाद बी यानी ब्रेक और लंच टू एग्जिट, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैंने कुछ एक क्या बोलते हैं इसको पैराग्राफ लिया है, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसको एक बटन लिया है, ठीक है। बटन का आईडी क्या है, SBTN, आपको याद ये याद रखना, ठीक है। बटन का आईडी है ये SBTN और हमने यहाँ पर दिया इसको लेट्स टॉक। तो सिंपल मैं इसको आऊँगा यहाँ पर और मैं इसको चेक करूँगा कि मेरा वेबसाइट पर किस तरह आया। सो देखो हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, वही सपोर्ट यानी ये टैक्स सारा आ चुका है। तो जिस तरह की आपने उस वाले वेबसाइट पर देखा था कि ये टैक्स यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको टैक्स को यहाँ पर लाने के लिए हमें यूज़ करना होगा क्या कि आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रेट, यहाँ पर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पोजिशन का, ठीक है, क्योंकि पोजिशन से बहुत कम कोड भी लगता है और अब आसानी से हो जाता है, ठीक है, अपने हीरो स्टेल पर। और लूँगा इसको मैं जो भी हमारा ये हीरो ग्रेट है, ठीक है, हीरो ग्रेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हीरो ग्रेट है, तो एक सेकंड, ये आईडी है या क्लास हीरो, ये क्लास है, ठीक है। तो क्लास के लिए हमें देना होगा क्या, डॉट, तो हीरो ग्रेट। तो इससे इसको कर दो तुम क्या, पोजिशन एब्सोल्यूट, ठीक है, यानी पोजिशन एब्सोल्यूट कर दो इसे, ठीक है। और जो हमारा ये टेक्स्ट है, ठीक है, यानी ये जो टेक्स्ट है अपना, उस टेक्स्ट को हमें इसको हटाना है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को मैं यहाँ पर करूँगा, मैं इसको कर दूँगा पोजिशन रिलेटिव, ठीक है, पोजिशन रिलेटिव। और इसका हमें कितना टॉप से हटाना है, कितना राइट से करना है, कितना लेफ्ट से करना है, उससे को हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर टॉप से तुम कर दो 160 पिक्सल्स, ठीक है, और तुम इसका कर दो तुम राइट से -760 पिक्सल कर दो, ठीक है, यानी राइट से -760 पिक्सल्स, ठीक है, 7690 पिक्सल्स। और इसका मैं काम करता हूँ, मैं इसको जो भी मैंने एक फ़ॉन्ट फैमिली क्रिएट कर दूँगा कि होगा कॉन्सर्ट वाला, ठीक है, मैं इसे करूँगा यहाँ पर कॉपी और अपना यहाँ पर इसको कर दूँगा मैं पेस्ट, ठीक है। तो मैं देखूँगा आप हमारा ये अपना कौन किस तरह कहाँ पर है। सो देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसका कम करूँगा कि इसका मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ को और फ़ॉन्ट वेट को थोड़ा बढ़ाऊँगा, ठीक है, इस पर थोड़ा पैडिंग वेडिंग को ऐड करूँगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा इसमें VS कोड पर और जो भी देखो H2 के अंदर सबसे पहले क्या है, H2 के अंदर सबसे पहले देखो ये H2 सॉरी टेक्स के अंदर सबसे पहले H2 है, ठीक है। तो अपना इस टेक्स के अंदर डॉट टेक्स के अंदर जो भी H2 है अपना, ठीक है, तुम उसका फ़ॉन्ट साइज कर दो, फ़ॉन्ट साइज को कितना करना चाहूँगा मैं, फ़ॉन्ट साइज को मैं दूँगा यहाँ पर 5 rem, ठीक है, 5 rem फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। और इसका थोड़ा मैं फ़ॉन्ट वेट कर दूँगा, फ़ॉन्ट वेट को कर दो तुम बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। और फिर इसमें पेडिंग दे दो, ठीक है, तो पेडिंग मैं देना चाहूँगा और टॉप एंड बॉटम से 1 rem और लेफ्ट एंड राइट से 0 rem, ठीक है। और उसके बाद देखो उसके बाद यहाँ पर क्या, उसके बाद देखो ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो सिंपल टेक्स्ट टू के अंदर डॉट टेक्स्ट के अंदर जो भी पैराग्राफ है अपना, ठीक है, तुम उसका तुम मैं थोड़ा इसका फ़ॉन्ट साइज को कम करना चाहूँगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज कर दो तुम फ़ॉन्ट साइज इसका 1.2 देता हूँ, ठीक है, या फिर 3.2 देता हूँ, ठीक है, 1.2 rem। और तो इस पर मार्जिन देना चाहूँगा मैं, मार्जिन टॉप एंड बॉटम से 1 rem और लेफ्ट एंड राइट से हम इसको दे दूँगा मैं 0 rem, ठीक है, ताकि हमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ कम करता हूँ, मैं देखूँगा अब। सो देखो यहाँ पर अब हमारा ये आ चुका है, ठीक है। तो एक कम करूँगा मैं इसका जो भी अपना ये कलर, इसको थोड़ा कलर को यहाँ पर मैं चेंज करूँगा और इस पर थोड़ा मैं एक फ़ॉन्ट फैमिली को ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊँगा अपने VS कोड पर और यहाँ पर कर दूँगा इसका मैं मार्जिन, मार्जिन तो शायद मैंने दिया ना, मार्जिन मैं अब दूँगा थोड़ा इसको कलर, ठीक है, कलर इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा कि ठीक है, एलिक ब्लू से थोड़ा इसको मैं डार्क कर दूँगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। तब मैं इसको देखूँगा यहाँ पर, मैं कहूँगा तो मैं थोड़ा इसको फ़ॉन्ट फैमिली भी ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसको दूँगा पैरामेंट मार्कर वाला, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, ऐसे करता हूँ सेव। अब मैं यहाँ पर देखूँगा कि देखो तो ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये सही से आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद देखो गाइस कि जो भी हमारा ये बटन है, ठीक है,
इस बटन को मैं थोड़ा इसमें CSS देना चाहूँगा, इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, इसमें थोड़ा बॉर्डर रेडियस दूँगा, तो मैं कम करूँगा कि जो भी हमारा ये बटन मैंने कहा बटन दुखा जो भी ये SBTN है ठीक है, तो सेम इसका CSS को इसमें अप्लाई कर दो। तुम जो भी ये अपना li और a टैग में जो भी मैंने CSS दिया था ठीक है, AIDA SBTN यानी सेम CSS पर इस सारे यानी देखो कट तो यानी देखो कि जो भी ये SBTN है ठीक है, सेम ए लिस्ट वाला जितना भी हमारा ये CSS है सेम इस पर भी अप्लाई हो जाए ठीक है, यानी बटन पर भी ये सारा कोड अप्लाई हो जाए। तो मैं देखूँगा आप सो देखो हमारा यहाँ पर कि अपना एक बटन सही से आ चुका है ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं इसको दूंगा बॉर्डर रेडियस और कर्सर कर दूंगा मैं पॉइंटर ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा कि लास्ट वाल में देता हूँ कि जो भी अपना SBTN है ठीक है उसका तुम कर्सर को कर दो, कर्सर को कर दो तुम पॉइंटर और थोड़ा इसमें कर दो बॉर्डर रेडियस को, बॉर्डर रेडियस वन सेकेंड बॉर्डर रेडियस तुम कर दो 10 pixels ठीक है, बॉर्डर रेडियस 10 pixels मैं देखूँगा यहाँ पर। सो देखो अब हमारा ये सही से आ चुका है ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर देखो कि मैं इसको दूंगा यहाँ पर एक जो भी एक इमेज मैंने दिया था ठीक है, आपने आपको शायद याद होगा कि हमने यहाँ पर इसको एक इमेज को ऐड करा था ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊँगा और एक अपने भेज कोड पर जाऊँगा और वहाँ पर मैं एक इमेज को दो यानी एक नहीं दो इमेज को और ऐड करूँगा ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने बटन के बाहर में एक डिप बनाऊँगा ठीक है, ये जो बटन है ठीक है यानी टेक्स्ट के बाहर एक मैं लूँगा एक डिप, उसको मैं नाम देना चाहूँगा कि IMG यहाँ पर शो करवाना ठीक है, IMG इमेज शो ठीक है, IMG शो। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको दूंगा एक इमेज देता हूँ ठीक है इमेज, और इस आईडी इमेज इमेज का मैं एक प्लेट कर लेता हूँ ठीक है, कि इमेज का पर नाम था कि मेन rm.png ठीक है, इसका थोड़ा मैं एक आईडी भी दे देता हूँ, तो आईडी होगा मेन ठीक है, आईडी होगा अपना मेन। तो मैं देखूँगा यहाँ पर सो देखो अब हमारा ये इमेज भी यहाँ पर आ चुका है ठीक है। तो इस इमेज को मैंने हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस इमेज को हमें यहाँ पर परफेक्टली एड करना होगा ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा सबसे पहले कि जो भी हमारा ये इमेज शो है ठीक है, इमेज शो नाम का जो भी डिब है तुम उसको कर दो सबसे पहले, इमेज शो नाम का जो वेब डिब है तो उसका कर दो तुम विथ को 100% ठीक है, विथ 100% ठीक है, और हाइट तुम कर दो उसका 100% सेम ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा ये मेन वाला इमेज था ठीक है, जो ये मेन वाला इमेज था कौन सा मेन वाला इमेज मैं दिखाता हूँ आपको, कि जो मैंने आईडी दिया था अपने इस वाले इमेज को, इस इमेज का हमें परफेक्ट करना होगा कौन सा, देखो ये जो इमेज है इस इमेज का हमें यहाँ पर परफेक्टली एड करना होगा ठीक है, तो यानी एडजस्ट करना होगा। तो मैं इसको सिंपल इसको कोड में यहाँ पर दूंगा CSS पर कि जो भी हमारा ये मेन है ठीक है, इसका आईडी है मेन, तो ये जो मेन है तुम उसका हाइट को कर दो कम से कम 1000 नहीं मैं देता हूँ उसको कम से कम 700 pixels कर दो तुम, कम से कम 700 pixels, और उसका तुम पोजीशन उसका हमें नीचे पर करना है, तो यानी हमें इसको पोजीशन के साथ खेलना होगा। तो कर दूंगा इसका पोजीशन एब्सोल्यूट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वाले इमेज को हमें यहाँ पर करना है ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इसको एडजस्ट करना है, तो उसका कर दो तुम पोजीशन को एब्सोल्यूट और इसको टॉप से तुम कर दो यानी ऊपर कर दो तुम 6 pixels ठीक, ऊपर से होगा 6 pixels टॉप से, और लेफ्ट से तुम कर दो 0 ठीक है, लेफ्ट से में कुछ नहीं चाहिए 0 pixels। तो मैं देखूँगा सो देखो हमारा ये इमेज यहाँ पर आ चुका है ठीक है सही से। तो अब देखो यहाँ पर कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर एक येलो सा बैकग्राउंड ठीक है, उसमें यानी एक बैकग्राउंड येलो सा है ठीक है, तो सिंपल हम उस वाले येलो को भी बना लूँगा मैं कि मैं यहाँ पर आऊँगा। अब चाहो तो वहाँ पर एक इमेज भी ले सकते हो ठीक है, तो मैं यहाँ पर इमेज नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर एक डिप ले लूँगा ठीक है, तो डिप येलो देता हूँ ठीक है, येलो जो भी ये येलो है ठीक है, इसका मैं यहाँ पर CSS भी दूँगा कि डॉट येलो जो है अपना ठीक है, जो ये येलो है
तो उसका तुम विथ कर दो तुम 100%, ठीक है, और हाइट कर दो तुम 600 पिक्सल्स। मैं कम करता हूँ, 100% में इसको भी दे, यानी 600 पिक्सल्स, 100% नहीं 600 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका तुम कर दो तुम बैकग्राउंड को येलो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर दो तुम येलो। और इस पर थोड़ा तुम पोजीशन को एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा, मैं पहले दे दूँगा यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 50% था, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि ये किस तरह आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा ये इमेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, इमेज नहीं है डिब है, ठीक है। तो इस वाले इसको मैं जो भी अपना येलो है उसको मैं यहाँ पर टॉप पर करना चाहूँगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर पोजीशन के साथ खेलूँगा और इसको कर दूँगा कि पोजीशन को तुम कर दो इसका एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट कर दो। और बॉटम से तुम करना कर दो, बॉटम से कर दो तुम 6 पिक्सल्स, ठीक है, बॉटम से 6 पिक्सल्स। और लेफ्ट से तुम कर दो इसको 0 पिक्सल्स, ठीक है, 0 पिक्सल्स। तो मैं देखूँगा अब यहाँ पर कहाँ पर अपना आया। सो देखो अब हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो अब देखो गाइस, ये तो हमारा ये बेसिक CSS अपना डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दूंगा इसको कि जैसे कोई यूज़र इसको मूव करे, यानी इस पर स्क्रॉल करे, तो यहाँ पर एक पैरेलेक्स इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले आऊँगा VS Code पर, और इसके नीचे देखो, इसके नीचे मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दे दूँगा ताकि मैं इसको स्क्रॉल कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे नीचे अपना, यानी कंटेनर के बाहर, कंटेनर अपना कहाँ है मैं देखता हूँ आपको, कंटेनर अपना कहाँ तक है। तो देखो ये कंटेनर के बाहर मैं इसको टेक्स्ट को ऐड कर दूँगा, ठीक है। ये देखो ये डमी टेक्स्ट है, मैंने इसका एक डिब लिया है, यानी डिब, और जिसका मैंने क्लास दिया है डमी टेक्स्ट, और ये बेसिक ये लोअर एंड टेक्स्ट, ठीक है, यानी कुछ शायद 1000 या फिर कुछ उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, वाट का। तो मैं इसे देखूँगा यहाँ पर कहाँ से आया अपना, मैं इसको करता हूँ स्क्रॉल। तो देखो यहाँ पर अपना ये आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक इसको दे दूँगा CSS, यानी थोड़ा इसको मैं जो भी अपना डमी टेक्स्ट है, ठीक है, जो अपना डमी टेक्स्ट है, ठीक है। तो तुम डमी टेक्स्ट को कर दो तुम यहाँ पर अपना जो डमी टेक्स्ट है, ठीक है, डमी टेक्स्ट को तुम कर दो कम से कम, इसका मैं पेडिंग कर दो तुम, थोड़ा पेडिंग दूंगा मैं टॉप एंड बॉटम से 3 RAM, और लेफ्ट एंड राइट से तुम दे दो उसको 2 RAM, ठीक है। और बैकग्राउंड तुम कर दो वाइट तो है अभी, कर दो तुम ब्लैक, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और तुम कलर कर दो इसका वाइट, कलर का कर दो तुम वाइट, नहीं तो फिर ब्लैक में कहाँ दिख गया हमें, ठीक है। तो मैं देखूँगा, सो देखो अब हमारा ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा स्क्रॉल भी मैं इसको कर सक रहा हूँ, ठीक है, इस टेक्स्ट के जरिए। तो अब मैं गाइस देखो कि मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि जैसे कोई यूज़र यहाँ पर स्क्रॉल करे तो ये टेक्स्ट स्क्रॉल इफेक्ट हो, जिस तरह की आपने इंट्रोडक्शन पर देखा था, यानी उस वाले वेबसाइट पर देखा था। तो सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो ये इमेज जो है, इस इमेज को मैं जावास्क्रिप्ट में कभी कहीं हमें यहाँ पर स्टोर करना होगा, यानी किसी वेरिएबल में इसे स्टोर करना होगा। और जो भी ये येलो वाला इमेज है इसको भी हमें किसी जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल आऊँगा कि अपना जावास्क्रिप्ट पर, और पहले से जो भी हमारा ये स्क्रिप्ट फाइल है उसके अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा ये मेन है, ठीक है, यानी आईडी जो मेन है इसको मैं स्टोर करूँगा। इसको स्टोर कैसे करूँगा कि मैं यहाँ पर लूँगा एक वेरिएबल, मैं लूँगा इसको लेट, मैं यहाँ पर नेम देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर इसको स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और आईडी मैं यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। और दूसरा मैं इसको करता हूँ, मैं इसको करूँगा यहाँ पर कॉपी, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला अपना एक येलो जैसा, येलो जो था मैं इसको दूंगा येलो, ठीक है। ये देखो ये नेम है, ठीक है, ये मेन, ये नेम है, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, येलो वाइट ग्रीन वेरन, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो। तो बस आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर यहाँ पर आपको उस वाले जिसको आप स्टोर करना चाहते हो उसका यहाँ पर आईडी को देना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको मेन को तो मैंने ऊपर ऐड करा, इसको हमें यहाँ पर ऐड करना होगा क्या, येलो का जो भी हमने इमेज था डीप था, डीप कौन सा, तो इसका मैं एक आईडी देता हूँ यहाँ पर, ये तो क्लास नहीं थी, मैं दूंगा इसको आईडी।
इसको देता हूँ मैं YLOW, ठीक है, ये लो शॉर्टकट में। इसे करूँगा मैं कॉपी और यहाँ पर मैं इसको स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो दोनों को मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल पर स्टोर करा। और यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर इसको करूँगा कि मैं जावास्क्रिप्ट पर बोलूँगा इसको कि जैसे कोई यूज़र यहाँ पर स्क्रॉल करे तब एक फंक्शन चलेगा, उस फंक्शन पर यह होगा कि ये लेफ्ट पर चला जाएगा और एक राइट पर चला जाएगा, ठीक है। तो उस तरह का हमें करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि हमें इसको बोलना होगा कि जैसे कोई इस विंडो पर स्क्रॉल करे तब फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको बोल दूँगा यहाँ पर कि जैसे कोई विंडो पर, ठीक है, स्क्रॉल करें। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एडिमेंट लिसनर का, ठीक है। तो एडिमेंट लिसनर इस पर को बोलूँगा कि जैसे कोई इसको स्क्रॉल करे तब एक फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन का मैं यहाँ पर नाम क्या देना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं दूँगा वही कोड टच, ठीक है, और वही कोड टी टच, ठीक है, सॉरी टी टच, ठीक है। ये होगा फंक्शन का नेम। ये अभी फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया, ठीक है, बस ये नेम मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि फंक्शन का मैं ये नाम देने वाला हूँ। तो मैं इसको करूँगा यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर मैं फंक्शन चलाना चाहूँगा, ठीक है। तो फंक्शन मैं दूँगा इसको फंक्शन, फंक्शन, और फंक्शन का मैं नाम देना चाहूँगा सेम इसको, ठीक है, वही को टच को, और मैं इसको फंक्शन पर दूँगा, ठीक है। तो देखो मैंने इसको यहाँ पर फंक्शन तो डिफाइन कर दिया। तो अब मैं इसको बोलना चाहूँगा कि जैसे कोई यूज़र यहाँ पर स्क्रॉल करे तब ये इमेज येलो या मूव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक और एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, क्या, कि स्क्रॉल वाई, यानी यूज़र जितना इसको स्क्रॉल कर रहा है उसका हमें वैल्यू को लेना होगा, ठीक है। तो उस वैल्यू को हमें लेने के लिए हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट पर एक प्रॉपर्टी है स्क्रॉल वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा एक वेरिएबल, इसको दूँगा कि वैल्यू, और यहाँ पर दूँगा कि विंडो पर स्क्रॉल करे, ठीक, उसका वैल्यू को तुम स्टोर करो। तो विंडो डॉट स्क्रॉल, स्क्रॉल, ठीक है, तो स्क्रॉल शायद स्क्रॉल वाई, ठीक है, ये एक्स वाई, ये बंद कर दूंगा, ठीक है। तो यूज़र कितना स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, इस तरह कर रहा है, उसका हमने यहाँ पर इसको वैल्यू पर स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लूँगा कि इस फंक्शन पर लूँगा कि मेन पर क्या होना चाहिए, यानी जब ये फंक्शन चलेगा तब ये क्या होगा। तो इसको बोल दूँगा कि इस वाले मेन जो इमेज है, ठीक है, तुम उसका CSS को चेंज करो। तो CSS को हमें चेंज करने के लिए जावास्क्रिप्ट पर हमें एक, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। तो स्टाइल पर हमें क्या करना है, हमें इसको लेफ्ट पर हटाना है, कितना, तो मैं दूंगा इसको लेफ्ट कर दो तुम इसका। हमें इसको कितना करना है कि यूज़र जितना स्क्रॉल करे, ठीक है, उतना तुम कर दो या फिर उससे तुम कम ही कर दो, ठीक है। तो मैं दूंगा इसको स्क्रॉल ये लेफ्ट कर दो तुम, देखो ये मेन वाला जो भी इमेज है, ठीक है, इसका मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ, क्या, लेफ्ट कर दो तुम, कितना करो कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, यानी यूज़र जितना इसको स्क्रॉल करेगा तुम उसको उतना नीचे कर दो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मैं कम करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा इनटू कर दो तुम -1 से, ठीक है, यूज़र जितना स्क्रॉल करेगा उसको तुम इनटू कर दो -1 से, और तुम उसको कन्वर्ट कर दो तुम प्लस पिक्सल्स पर, ठीक है। तो पिक्सल दे दूंगा मैं इसको पिक्सल्स, ठीक है। तो मैं अब देखूंगा इसको, मैं करता हूँ इसको सेप, मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखो मैं इसको जैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, तो देखो ये इमार अपना इमेज यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जा रहा है, ठीक है। तो देखो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जा रहा है। तो सेम मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना जो येलो वाला है, इसको भी तुम यहाँ पर राइट साइड पर कर दो, ठीक है। तो सिंपल तुम यहाँ पर आऊँगा मैं जावास्क्रिप्ट पर, और अपना कहाँ गया अपना ये येलो वाला, तुम येलो का तुम कर दो, येलो जो है उसका तुम स्टाइल को चेंज कर दो, तुम कर दो उसको सेम लेफ्ट कर दो तुम, लेफ्ट, तुम लेफ्ट पर क्या कर दो तुम, इसका कर दो तुम जितना वैल्यू यूज़र, यानी इसको जितना यूज़र नीचे करे सेम तुम उसी तरह कर दो, ठीक है। तो यूज़र जितना इसको स्क्रॉल करे तुम सेम उसको कन्वर्ट कर दो तुम पिक्सल्स पर, ठीक है, कोई झमेला नहीं, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं, बस यूज़र जितना उसको नीचे करे स्क्रॉल करे तुम भी उतना उसको हटाते जाओ लेफ्ट पर। तो इसको कर दूंगा मैं यहाँ पर सेव, मैं यहाँ पर आऊँगा, सो देखो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, सो देखो ये हमारा ये वर्क सही से कर रहा है, ठीक है।
तो इसको मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। सो देखो यहाँ पर अब हमारा ये अपना मेन वाला इमेज, येलो वाला इमेज सही से यहाँ पर पैरालेक्स इफेक्ट भी दे रहा है, ठीक है। तो इसको कर रहा हूँ मैं, देखो यानी हमारा ये पैरालेक्स इमेज वाला वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है।